देखी बहन, जिन्होंने कोरोना काल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दी, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें बुलाया गया और चूंकि बुंदेलखंड की झांसी की धरा में सेवा का भाव रग रग में है, उन्होंने सोचा कि हमारे झांसी की जनता परेशान हो रही है, हमारे बुंदेलखंड की जनता परेशान हो रही है, और वो मेडिकल कॉलेज में एक महीने के लिए उन्हें बुलाया गया और उनसे लगातार 8 महीने तक कार्य लिया गया। इस कारण जहां वो काम करते थे जिन नर्सिंग होम में, उधर से उनकी जॉब छूट गई। आज सरकार उनके संग धोखाधड़ी कर रही है और मैं समझता हूँ कि वो उनके घर पर खाने के लिए वो एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। वो आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी दी जाए और उनका वेतन भी आज तक नहीं दिया गया। सबसे शर्मनाक बात यह है उनका वेतन दिया जाए और उनके भविष्य का सरकार निर्धारण करे, क्योंकि जहाँ वो कार्य करते थे वहाँ से भी चले गए और अब जहाँ कार्य कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में, वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। तो इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती कि जिन्होंने जान की बाजी लगाकर जनता की सेवा की, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस साइड जाओ।